वेलकम टू आवर चैनल मी एंड मॉम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे फ्रेंड्स से जानना चाहती हूँ कि आपको स्टडीज कैसा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बोरिंग लगता है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ आपके बोरिंग स्टडीज को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो पहला पॉइंट है लिसन टू गुड म्यूजिक। मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि म्यूजिक लगाकर पढ़ने से हमारा अटेंशन डाइवर्ट होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेडिटेशन म्यूजिक के साथ हो सकता है तो फिर स्टडीज क्यों नहीं। हाँ, लेकिन जो म्यूजिक आप पढ़ाई करते समय सुनना चाहते हैं वो म्यूजिक रिलैक्सिंग म्यूजिक हो। अगर स्लो इंस्ट्रूमेंटल हो तो बहुत ही अच्छा होगा। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, रिलैक्सिंग म्यूजिक आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट है स्टडीज को एक गेम की तरह पढ़िए। हम सब बच्चों को गेम्स बहुत ही पसंद होते हैं, लेकिन हम स्टडीज में गेम्स कैसे करें। सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसी राजा के बारे में, आप अपने दोस्तों को या भाई बहन को उस चैप्टर का एक एक कैरेक्टर बना दीजिए और चैप्टर में जो स्टोरी है उसे ड्रामा की तरह एक्टिंग कीजिए। इससे आपको लेसन भी याद हो जाएगा और आपको ड्रामा में मजा भी आएगा। अगर आप मैथ्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मार्केट में जो बिजनेस गेम आता है उसे खेलिए। इससे आप बिजनेस गेम के लेन देन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अपने आप को क्रिएटिव बनाइए। थर्ड पॉइंट है यूज नाइस स्टेशनरी। तरह तरह के डेकोरेटिव स्टेशनरी किसे अच्छे नहीं लगते, जैसे हो गया पेन, स्केच पेन, पेंसिल और कंपास बॉक्स। तो अपने स्टडी टेबल पे अपने पसंद के कलरफुल आइटम्स रखिए, इससे आपको लिखने पढ़ने में और भी मजा आएगा। आप सबको देख के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। आपने सही समझा, पढ़ाई करते टाइम आपके पास हेल्दी स्नैक्स होना चाहिए। अपने आप को चैलेंज कीजिए कि मैं ये स्टोरी पढ़ने के बाद ही ये स्नैक्स खाऊंगी। हर एक टास्क कंप्लीट करने के बाद अपने आप को ट्रीट दीजिए। फिफ्थ पॉइंट है स्टडी इन प्रॉपर लाइटिंग। लाइटिंग प्रॉपर ना हो तो आप ज्यादा टाइम नहीं पढ़ सकते और जल्दी फेड अप हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे जगह पे पढ़िए जहाँ लाइट अच्छा हो। अगर आप टेबल पे पढ़ रहे हैं तो एक टेबल लैंप का यूज कीजिए। याद रखिए ज्यादा हैवी लाइट में मत पढ़िए, जैसे कि हो गया डायरेक्ट सनलाइट, इससे हमारे आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो ये थी कुछ खास बातें जिससे आप अपने स्टडीज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन नमस्ते, बाय बाय।